आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी दिखाएंगे। बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत चटपटी भी होती है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, एक इंस्टाग्राम पेज है और एक ट्विटर पेज है। आप उस पर भी जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी रेसिपीज़ की एक पिक्चर लेके ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर डालिएगा। हमें बहुत खुशी होगी और हमें लगेगा कि लोग हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको फटाफट आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आलू शिमला मिर्च के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हम आपको दिखा देते हैं। हमने ये 3 आलू लिए हैं, लगभग ये 150 ग्राम है। इस तरह से हमने लंबे लंबे काट लिए हैं, लंबे और पतले। इसी शेप में हमने शिमला मिर्च ली है, वो भी ऐसे लंबे पतले काट लिए हैं। आप जो भी शेप काटें, अगर आलू आप स्क्वायर शेप में काटेंगे तो शिमला मिर्च भी आप उसी शेप में काटेगा, तो दोनों की शेप लगभग सेम होनी चाहिए। तो कुछ 150 ग्राम हमने ये शिमला मिर्च ली है, जिसमें पीली, लाल, हरी हरी शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा है इसमें, लाल पीली थोड़ी आधी आधी है। एक हमने प्याज को चॉप कर लिया है, एक टमाटर को भी इसी तरह से हमने चॉप कर लिया है। बाकी जो मसालों में हमको लगेगा, एक एक चम्मच हमने ये मिर्च ली है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, नमक अपने जायके हिसाब से ले लीजिएगा आप। हरी मिर्च 2 हमने बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, हरा धनिया, और ये कुछ अचार के मसाले हैं। इसका हम लिंक में आप डिस्क्राइब कर देंगे इसको हमने कैसे बनाया है, वैसे मैं बता देती हूँ। इसमें साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना, सब इन सबको हमने एक एक चम्मच लिया है। मेथी और कलौंजी को 1/2 टीस्पून लिया है, बाकी 3 चीज़ों को हमने फुल 1 टीस्पून लेके इनको दर दरा पीस लिया है। बस ये अचार के मसाले हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं, और हमने पैन रख दिया है, हमने ये पैन रख दिया है। हमने ये तांबे के बर्तन में बना रहे हैं, कॉपर बोलते हैं इसको। इसमें पहले प्याज डाल देते हैं। आप प्याज ना डाल के जीरे से भी भगार कर सकते हैं, ऑप्शनल है प्याज। हम प्याज को हल्का भून लेंगे, इसको लाइट ब्राउन ही रखना है, इसको बहुत डार्क नहीं करना है इसे। तो इसको भून कर हम आपको दिखाते हैं। प्याज हमारी भून गई है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, इसको भून लेते हैं। साथ में हम ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इसी में मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आप हरी मिर्च 2 डाल रहे हैं तो लाल मिर्च आप कम कर दीजिएगा। फ्लेम हमारी मीडियम है, हम ये आलू डाल देते हैं अब, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। अब इसमें मसाले डाल देते हैं, हल्दी डाल रहे हैं, लाल मिर्च डाल रहे हैं, धनिया पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल देते हैं, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च आप कम कर दीजिएगा। ये अचार के मसाले भी हम डाल देते हैं, ये हमने 2 टीस्पून लिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी अभी मीडियम है, हमने मीडियम कर दिया क्योंकि मसाले फिर नीचे जलने लगते हैं, लगने लगते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं, 3-4 चम्मच पानी डाल देते हैं, और हल्की आंच पर इसको हम ढक के रख देते हैं ताकि ये गल जाएंगे। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। इसको हम ढक देते हैं और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। हमारे ये आलू लगभग गल गए हैं, हमने 80% इनको गला लिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। एक मैंने टमाटर लिया है, 2-3 मिनट हम टमाटर के साथ भूनेंगे आलू को, उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, 2 मिनट इसको हम ढक देते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं।
हमारे टमाटर भी 2 मिनट से हैं और देखिए लगभग ये भी गल गए हैं। अब हम ये शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च इसको लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है और इसमें गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए इसको हमने आखिर में डाला है। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, 3-4 मिनट हम शिमला मिर्च टमाटर के साथ बनाएंगे और फिर इसको हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी चटपटी ये सब्जी बनती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो हमने अचार के मसाले डाले हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम ढक देते हैं। हमने इसको 3-4 मिनट से पकाया है। अब हमारी शिमला मिर्च भी लगभग गल गई है, थोड़ी हम क्रंची ही रखेंगे। टमाटर भी देखिए गल गए हैं, आलू भी सब अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया पहले स्प्रिंकल कर देते हैं। थोड़ा हमने रोक लिया है और इसमें मिला देते हैं। 1 मिनट हम हरा धनिया के साथ पकाएंगे और उसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सब्जी बनी है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू शिमला मिर्च तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। अचार के मसालों की वजह से इसमें बहुत जायका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला आज़ दस्तरखान।